आइए ढोल के साथ प्रोसेस का पता नहीं चला ना तो हमारी आवाज मिली ना ढोल की आवाज मिली, तो आइए दोबारा से मिलकर यही ज़बूर गाएंगे और खुदावन के कादमों का अपने दिल में खुश आमदीद कहेंगे। हालेलुया 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 प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। भाई सुनने के साथ लेकर प्रोसेस के घर हालेलुया। हेलो फ्रेंड्स, के एन ब्लॉग में सबको वेलकम है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज है संडे, तो संडे की मॉर्निंग हो चुकी है। आज मैं उठी थोड़ा लेट क्योंकि संडे एक वार दिन होता है जिस दिन मैं अपनी मौज से उठ सकती हूँ, अदरवाइज़ सारे दिन मैं यानी कि बच्चों के लिए टाइम से उठना पड़ता है और सबके काम भी जल्द अज जल्द करने पड़ते हैं इसी वजह से। तो आज संडे था तो मैं अपनी रूटीन वाइज थोड़ा लेट उठी हूँ। तो अभी मैं उठ गई तो बच्चे मेरे से पहले उठे हुए थे, वो खेल रहे हैं बाहर, वो बैट बॉल लेकर गए हैं बाहर। कल मेरा बेटा बैट लेके आया है, नया, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा बेटा बाहर खेल रहे हैं और मेरा बेटा और बेटी सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरा बेटा अभी बैट लेकर गया बाहर। सुबह से ये साइकिल चला रहा था, अभी इसने साइकिल बंद की है। जब मैं सोई हुई थी तो इन्होंने हल्ला गुल्ला किया हुआ था पीछे, काफ़ी खेल कूद लगे हुए थे, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ। ये देख सकते हैं ये विकटे लगाने लगा है, तो अभी बैट बॉल इन्होंने यहाँ पर खेलना शुरू करना है। कल रात को ये अपने चाचू के साथ बाजार गया, इसने बहुत तंग किया हुआ था उसे, मुझे बैट बॉल ले दो बैट बॉल, तो उसने कहा मैंने फिर ले दिया। ये देख सकते हैं कितना बड़ा है, ये बहुत ज़िद करता है ये, और चीज़ भी बहुत ज़्यादा सबसे बढ़कर यानी कि आगे को ले लेता है। ये देखें अभी विकटें लग रही हैं इसकी, ये देख सकते हैं तीनों बहन भाई लगे हुए हैं साथ में, मोहल्ले में बच्चे हैं उनके साथ वो खेल रहा था, विकटें लगा रहा है। अभी इन्होंने विकटे लगा लेनी है फिर बैट बॉल स्टार्ट करना है। ये देखें मेरी बेटी है वो विकटे लगा रही है, ये देख सकते हैं दो तो लग चुकी हैं, तीसरी लगाने लगे थे अभी। ये अभी विकटे लग रही हैं इन्होंने यहाँ पर, अभी खेलना सब बच्चे इकट्ठे कर लिए बैट बॉल खेलने के लिए। आज संडे है तो ये यही काम करेंगे बच्चे, आज खेलेंगे कूदेंगे। जी तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने किचन में आ गई हूँ, मैंने अभी आटा गूंदना है क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया, तो मैं साथ साथ में आटा गूंद रही हूँ और साथ साथ में नाश्ता तैयार करूँगी। क्योंकि जब मैं लेट उठती हूँ तो मुझे फ़ौरन पहला काम यही करना होता है कि मुझे नाश्ता लाजमी फटाफट से बनाना है, बाकी काम बाद में, क्योंकि मैं उठी लेट हूँ तो सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। अदरवाइज़ जब रूटीन वाइज हम उठते हैं तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, आज मैं तकरीबन 8 बजे से भी ज़्यादा टाइम पर उठी हूँ, तकरीबन 9 ही बजने वाले हैं आप सोच लें, इतना लेट उठी हूँ। तो बच्चों को बहुत भूख लगी हुई, वैसे तो वो मेरे उठने से पहले नाना अबू ने आज चाय बनाई, खुद ही रस मंगवाए, बच्चों को चाय नाश्ता करवाया, तो मेरे पहले उठने से तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ तो फिर मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी, किसी को कोई वाला पराठा चाहिए किसी को कोई वाला, तो ये फरमाइशें शुरू हो जाएंगी अभी, साथ में कुछ अंडे वगैरह, किसी को फ्राई चाहिए किसी को रोस्ट चाहिए, ऐसे यानी कि कुछ भी कुछ ना इन्होंने फरमाइशें करी जानी है, तो आज मेरा लंबा नाश्ता होगा। तो अभी मैं आटा गूंद लूँ तब तक, जब तक के मेरे बच्चे खेल रहे हैं फटाफट से,
और इनके पापा भी उठ चुके हैं, वो भी मुँह हाथ धो रहे हैं। जब तक के वो रेडी हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तब तक मैं नाश्ता रेडी कर लूँ फटाफट से। जी तो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता हो चुका है, मैंने जल्द अज जल्द सबको बना कर दे दिया। बच्चों ने भी खा लिया, उनके पापा ने भी खा लिया, और वो किसी काम से दुकान पर चले गए। हमारी दुकान है ना, तो वहाँ पर भी काम होता है। जिस दिन छुट्टी हो तो विक्रम लाजमी वहाँ पर टाइम स्पेंड करने जाते हैं। वो वहाँ पर चले गए, तो बच्चे खा पी कर अपनी अम्मी के घर चले गए, दादी के घर। यहीं पर मैंने आपको बताया हुआ था पहले वीडियो में कि वो पास ही हमारा घर है। तो बच्चों ने सोचा कि संडे है तो मामा हम खेल आए, तो मैंने कहा चलो भी खेल आओ। वो अपनी साइकिल बैट लेकर वहाँ पर जा रहे थे, तो खेल कर आए, खेलने चले गए हैं। तो अभी मैंने, मेरा टाइम हो गया है सफाइयाँ करने का, क्योंकि संडे है तो मैं तो कहीं जा नहीं रही, मैंने तो घर पर ही रहना है। बच्चों ने भी खेल कूद करनी है, उनके पापा ने भी जाना है, तो मेरा तो यही ड्यूटी है, मेरी और नाना अबू की। नाना अबू तो फिर भी राउंड कर लेते हैं गाँव के, मैं वो भी नहीं करती, मैं घर पर ही रहती हूँ ज़्यादातर, स्पेंड अपना घर पर ही टाइम करती हूँ। तो मैं जब घर पर होती हूँ तो फिर मैं अपने कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती है, मैं सिलाई कर लेती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया सिलाई करती हूँ, कुछ डिज़ाइनिंग करती हूँ। आज भी कुछ दिन पहले मैंने ना स्टिच किया था एक ड्रेस, आज मैं आपको अपनी वीडियो में वो भी दिखाने वाली हूँ कि वो वीडियो में दिखाती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो कैसी बनी है। और अभी मैं साथ साथ में करूँगी सफाइयाँ, घर का काम करना है मुझे। जी तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये वो ड्रेस है जो मैं आपको बता रही थी, ये मैंने अपनी बेटी बड़ी विरोनिका के लिए स्टिच किया था। ये देख सकते हैं, ये जीन्स है, जीन्स पर मैंने ना स्टिचिंग की जीन्स को, ये देख सकते हैं जीन्स की, उसके लिए जैकेट स्टिच की, साथ में इसके पजामा है, ये देख सकते हैं, ये इसका पजामा ट्राउज़र है, ये देखें इसके पांचे भी, तो ये देख सकते हैं। मैंने टोटल पॉकेट भी लगाई हुई है सारी, ये डिज़ाइन इधर भी बनाया, इलास्टिक इसके अंदर ही स्टिच कर दी मैंने। तो ये देखें इसके पांचे, इसके ये फ्रिल लगाई हुई है जीन्स के ऊपर, तो बहुत प्यारा ये मैंने स्टिच किया। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा आपको लगा स्टिच किया हुआ। तो ये बहुत प्यारा मैंने, यानी कि बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। स्टिचिंग मुझे आती है, मैं हर तरह के कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, यानी कि लहंगे हर चीज़ स्टिच कर लेती हूँ। जेंट्स में यानी कि 12 ईयर्स के बच्चों के मैं स्टिच कर लेती हूँ, उसके अभाव मैंने कभी नहीं ट्राई किया। तो मेरे बेटी के तो मैंने ये बहुत प्यारा स्टिच किया हुआ है, देख सकते हैं, फ्रिल भी लगाई हुई है इस पर मैंने, ये देखें। तो साथ ही मैंने सफाई शुरू कर ली थी, ये देख सकते हैं बैठक मैंने नीट कर ली है बच्चों की, जहाँ पर बच्चे और नाना अबू सोते हैं। तो मैंने इनको पहले, मैंने कहा यहाँ पर ही नीट करूं, क्योंकि अक्सर जो भी मेहमान आते हैं तो यहाँ पर ही बैठते हैं। पहले तो यहाँ पर मैट्रेस और नीचे कारपेट था, कारपेट धोने वाला है तो वो धुल जाए, जब तक मैंने ये चारपाइयाँ बिछा दी बच्चों के लिए और मैट्रेस इनके ऊपर ही डाल दिया मैंने बच्चों को यहाँ पर। मैंने कहा चलो इनके ऊपर तब तक आप लोग सो जाओ, जब तक कि वो धुल कर सूख ना जाए, तो तब जब तक ये यानी कि मैट्रेस का हल ना हो जाए तब तक ये चारपाइयाँ बिछी रहेंगी। जब मैट्रेस आ जाएगा तो फिर यहाँ पर क्लीन वगैरह डालकर मैट्रेस के साथ ही देंगे बच्चों को, ये देख सकते हैं। इसके बाद मैं अपने रूम की तरफ गई थी, मैंने रूम भी अपना नीट कर लिया है तकरीबन ऑलमोस्ट, देख सकते हैं। बस ऊपर से यानी कि मैंने सारा यानी कि ठीक कर लिया है, बस अभी मुझे नीचे से सफाइयाँ करनी है, झाड़ू लगाने और मॉप लगाने हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है सफाइयाँ, बस अभी झाड़ू लगने वाला है। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह ऊपर से कर ली हैं, सारा बिखरा हुआ, सारा खिलारा, जो अभी बच्चे गंद मंद करते हैं ना, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, कोई कपड़ा यहाँ पर फेंका है, कोई चीज़ वहाँ पर फेंकी या कोई चीज़ वहाँ पर। अक्सर ही मेरी बेटी विरोनिका ना, वो तो ये करती है कि बैग भी अपने पास रख कर सोती है,
तो मुझे वो टेंशन होती है और बहुत ज़्यादा मैं उसको डांटती भी हूँ, पर फिर भी वो ऐसे करती है, मम्मा मैंने पढ़ना है। पढ़ती है नहीं है उस टाइम, कौन पढ़ता है रात को, बेटा नहीं पढ़ो, नहीं नहीं मम्मा मैंने इसी टाइम पढ़ना है। पास रख लेती है कॉपीज़ पे, कोई एक कार्टून बना लेती है एक दो, फिर सो जाती है, क्योंकि ट्यूशन पर तो उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होता है। फिर भी बच्चे एक ज़िद करते हैं, वो एक ज़िद है उसमें। तो जी फ्रेंड्स, मैंने सारा काम कर लिया, मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो अभी मैं जी, तो फ्रेंड्स नाना अबू भी अभी बाहर से आ चुके हैं, तो ये देख सकते हैं, ये इन्होंने जो कपड़े पहने हैं काफ़ी रफ़ हो गए हैं। आज चूँकि संडे है, तो संडे को सभी बच्चे भी साफ़ कपड़े पहनते हैं, नाना अबू भी। तो नाना अबू कह रहे थे मैंने नहाना है, मुझे गर्म पानी कर दो। मैंने उनके लिए पानी भी गर्म कर दिया है। जब तक पानी गर्म हो रहा है, नाना अबू ने घूम लिया है, अपनी सैर ख़त्म कर ली है। अभी बाहर से आए थे, तो मैंने सोचा चलो अभी आप नाना अबू कपड़े बदल लो, नहा लो। ये देख सकते हैं, मैंने इनके कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे। मैंने कहा जब तक कि आप बाहर से घूम कर आते हो, तब तक मैं आपकी तैयारी कर देती हूँ नहाने की। तो पानी भी गर्म ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी नाना अबू बस नहाने की तैयारी में है। तो नहाएंगे, फिर ये रेडी हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर संडे है, अक्सर ही कोई ना कोई आ जाता है बाज़ अवकात। तो फिर आने वाले जो लोग होते हैं वो नाना अबू के पास ही ज़्यादातर बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। तो इसी वजह से मुझे यही नाना अबू को पहले रेडी करना होता है बच्चों से भी ज़्यादा। बच्चों ने तो अभी जो पहने कपड़े वो शाम से पहले गंदे कर देने हैं, क्योंकि चर्च जाना है शाम को, तो फिर दोबारा पहनाने पड़ेंगे। तो नाना अबू तो फिर भी इनके अभी मैंने चेंज करवा देने, धूप है देख सकते हैं, अभी धूप है, धूप धूप में इनको नहलाऊंगी, इनके कपड़े भी चेंज करवाऊंगी कि भी फटाफट से ये तैयार हो जाए, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं हमारे, सबसे इनका पहले काम होता है। जी तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं नाना अबू नहा कर फ्रेश होकर धूप में आकर बैठ गए हैं। तो अभी इनके धोने लगे हैं हम पाँव, क्योंकि पाँव नहीं इनसे धोए जाते, तो हमने सोचा कि चलो फिर हम धो देते हैं। ये देखे मेरा बेटा साबुन लगा रहा है, ये अपने परदादा की खिदमत कर रहा है। जी तो नाना अबू नहा लेते हैं पर पाँव नहीं धुलते, तो इस वजह से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आकर फिर हमें कहते हैं, तो हम फिर फटाफट से इनके पाँव भी साफ कर देते हैं। देख सकते हैं ये परपोत्रा है इनका, खिदमत कर रहा है। ये देखे मेरे बेटे ने पाँव धोने शुरू कर दिए। ये अरसलान क्या कर रहे हो? इसको बहुत शौक है काम करने का, कभी ये सफाइयाँ साथ करवाता है, कभी कोई काम करता है, कभी कोई। मेरा बेटे को ना बहुत शौक है कि मामा के साथ काम करवाऊँ। तो दादा कह रहे थे पाँव धो दो, तो ये पहले मेरे से बैठ गया, ये देख सकते हैं।